मैं अपनी कोशिशों को कम नहीं कर सकती। ना मैंने कभी हारना सीखा और ना ही किसी ने सिखाया। तुम इतनी जल्दी? वो एक्चुअली कुछ लोग बाहर कह रहे थे कि कोई रैली होने वाली है। मैंने सोचा कि मैं अभी आ जाऊं, जल्दी बच्ची को स्कूल ड्रॉप कर दूंगी। अब मैं तब तक गाड़ी साफ कर दूं? ठीक है, अंदर से क्लीनर ले लो। गाड़ी को ज्यादा रगड़ना मत, स्क्रैचेस आ जाएंगे। अंदर आ जाओ। जी। क्लीनर पड़ा है, यहाँ से उठा लेना। और कुछ चाहिए ना तो बता देना, ठीक है? अम्मी, दादा, हुजूर, मेहर अब्बी कहाँ है और वो गधा कहाँ है? हाँ, मैं जानता हूँ कि वो पार्टी पॉलिटिशियन ने ऑर्गेनाइज की है, लेकिन हमें उस पार्टी को कवर करना ही होगा। आई एम डेफिनेटली श्योर कि हमें उस पार्टी में टेररिस्ट लिंक्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। बचपन में इसे जानती थी, इतने हॉट लड़के यहाँ भी होने लग गए। ये स्टिंग ऑपरेशन ना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। ओके, तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो जो लड़की फाइनल हुई है इस ऑपरेशन के लिए, आस्क टू गेट रेडी एंड मीट अस एट बूस्टर होटल, मीटिंग वही कर लेंगे। और वो जो USB है वो उसे वही मिल जाएगी। उस USB में सारे टेररिस्ट की इंफॉर्मेशन है, उस मजाज खान की भी। समझ लो, वही मेरा एक है। हर एक सवाल का जवाब ढूंढना तूने, कर सकते पुत्र चकते फटते मेरा भी। क्या? ओके, बाय। आखिर इसका प्लान है क्या? मुझे पता लगाना ही होगा। Oh,
बाहर आ जाओ। तुम छुप छुप के उसकी बातें क्यों सुन रही थी? अगर उसे पता चल जाता ना तो घर से ही नहीं शहर से बाहर निकाल देता। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। हाँ शायद मेरा तरीका गलत हो सकता है, लेकिन आपने मेरी मदद क्यों की? मेरे अब्बू पापा कहते हैं सवाल उन्हीं से किए जाते हैं जिनसे सही जवाबों की उम्मीद हो। सवाल उनसे किए जाते हैं जिनसे सही जवाबों की उम्मीद हो। बताइए ना क्यों किया आपने मेरी मदद? इबादत के वक्त किसी को भी डांटना गलत बात है। तुम यहां से जाओ, किसी और ने देख लिया तो तमाशा खड़ा हो जाएगा इस घर में। जी अम्मी। क्या कहा? अब आंटी, आंटी कहा मैंने आपको? मैं आपको आंटी बोल सकती हूं ना? आंटी हाँ आंटी बुला सकती हो। चलो जाओ कोई और देख लेगा। अरे संभाल के, फर्श पे पानी गिरा हुआ है। मरियम, मेरी बच्ची, क्या हुआ? मुझे उन्हें सच बता देना चाहिए। मुझे उन्हें बताना चाहिए कि अम्मी आपका इंतजार खत्म हो गया है। मैं आपकी फीलिंग समझती हूँ, मैं जानती हूँ आप मेरे बारे में ही सोच रही होंगी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस लड़की से मेरा कोई वास्ता हो? मुझे अम्मी ही सुनाई दिया था। कौन है ये लड़की जिसके आने से मरियम के पास होने का एहसास होने लगा है? क्या कहें, गुनाह कोई और करता है, भुगतता कोई और। सुनो छोटी, और मैं ना दरगाह जा रहे हैं, तुम भी चलो ना हमारे साथ में। मरहूम मरियम पर फातिहा पढ़ देना।
इंसान को अपनी ताकत का उतना इस्तेमाल करना चाहिए जितनी मजबूत उसकी पसलियां हो, वरना उसका गुरूर ही उसे मात दे देता है। भाभी जान, मैं मरियम के नाम की कोई भी फातिया नहीं पढ़ूंगी। और अगर आप ये ख्वाब बुन रही हैं, तो उसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अम्मी मुझसे कितनी नफरत करती हैं। और मेरी मरियम कहीं नहीं गई है, वो हमेशा से मेरे साथ थी, साथ रहेगी, और बहुत जल्द भाभी जान, बहुत जल्द वो आपसे रूबरू होगी। और मुझे पूरा यकीन है कि वो मंजर आपसे देखा नहीं जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।